कुंभ 2021 को लेकर उत्तराखंड में कई कार्य किए जा रहे हैं। कुंभ को ऐतिहासिक रूप देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दिशा में होने वाले कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कुंभ 2021 हरिद्वार में होना है, इसलिए गंगा की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा को प्रदूषित करने वाले करीब 128 नालों को उत्तराखंड सरकार ने बंद कर दिया है। गंगा को पवित्र और साफ रखने के लिए पीएम ने नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में बने 6 मेगा प्रोजेक्ट का भी वर्चुअल लोकार्पण किया है। चलिए आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाते हैं। ₹521 करोड़ की इस परियोजना में गंगा को कैसे पवित्र किया जाएगा, क्या कुछ इस परियोजना में खास है और महाकुंभ में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए क्या पीएम मोदी का प्लान है, आइए आपको सुनाते हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है उनके साथ ही उत्तराखंड में इस अभियान के तहत चल रहे करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। हजारों करोड़ के इन प्रोजेक्ट से सिर्फ 6 सालों में ही उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। साथियों, उत्तराखंड में तो स्थिति ये थी कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से हरिद्वार तक 130 से ज्यादा नाले गंगा जी में गिरते थे। आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है। इसमें ऋषिकेश से सटे मुनि की रेती का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है। इसके कारण यहां गंगा जी के दर्शन के लिए आने वाले, राफ्टिंग करने वाले साहसिक साथियों को बहुत परेशानी होती थी। आज से यहां देश का पहला 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। हरिद्वार में भी ऐसे 20 से ज्यादा नालों को बंद किया जा चुका है। साथियों, प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था। अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। वहीं बात अगर उत्तराखंड सरकार की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान को सफल बनाने में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी भरपूर योगदान रहा है। यही वजह है कि पवित्र गंगा को मैला करने वाले 135 में से 128 नालों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं गंगा के दोनों किनारों पर बने
5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा स्थायी कृषि प्रथाओं को भी प्रदेश में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आइए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उत्तराखंड सरकार का मॉडल आपको दिखाते और सुनाते हैं। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की मुख्य धारा बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक जिन प्राथमिक नगरों का चिन्हीकरण किया गया, उन नगरों में गंगा नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से लगभग 135 नाले गंगा जी में गिरते थे जो गंगा जी का प्रदूषण बढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से 128 नाले टेप कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जो 6-7 नाले हैं उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में यानी कि आगामी जो कुंभ होगा, कुंभ से पहले हम इन नालों को भी टेप करने का काम कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो प्राथमिकता के 16 नगर जिनमें 15 प्राथमिक नगर एवं एक श्रीकोट एक छोटी सी बसावट है, उनमें 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं ये पूर्ण हो गई हैं तथा अन्य सभी परियोजनाएं कोविड के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हम आगामी मार्च माह तक इनको हम पूरा कर लेंगे। जो गंगा जी पर इस दौरान केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से जो काम हुए, उसके अलावा 21 स्नान घाट जिनमें हरिद्वार का भव्य चंडी घाट भी सम्मिलित है तथा 23 मोक्ष धामों का भी निर्माण किया गया है। इससे मां गंगा की निर्मलता और जो प्रदूषण की जो संभावना रहती है वो निश्चित रूप से कम हुई है। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यह भी बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जन जागरूकता के कार्यक्रम गंगा जी के दोनों तटों पर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके मुताबिक वहाँ पर औषधीय पौधों का भी रोपण किया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और हमने ऐसे गंगा तट से लगे हुए जो ब्लॉक हैं उनको ऑर्गेनिक ब्लॉक के रूप में उनको हम विकसित कर रहे हैं और उनको हमने ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है ताकि कोई भी रासायनिक का उपयोग उन खेतों पे न हो जो गंगा जी को प्रभावित करती हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 चुनाव जीतने के बाद शुरू किया, जिसके तहत न केवल गंगा बल्कि गंगा में मिलने वाली अन्य पवित्र नदियों की भी साफ सफाई का जिम्मा उठाया गया। अब तक हजारों करोड़ रुपया गंगे को स्वच्छ रखने के लिए सरकार ने लगाए हैं। वहीं अब उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट की मदद से गंगा को भविष्य के लिए पवित्र रखा जाएगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।